tank is of the shape of a cuboid whose length is 7.2 meter and breadth is 2.5 meter. Water flows into it through a pipe whose cross section is 5 cm into 3 cm at the rate of 10 meter per second. Find the height of which the water level rise in the tank in 40 minutes. देखो मान लो ये टैंक है जिसका लेंथ आपको गिवन है 7.2 मीटर और विड्थ कितना गिवन है वो गिवन है 2.5 मीटर. नाउ इसमें कह रहा है कि इसमें एक वाटर फिल किया जा रहा है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है वो है 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर. तो आप मान लो कि ये वैल्यू है आपका 5 और ये वैल्यू है 3 सेंटीमीटर का. यहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर गिवन है और वो क्या गिवन है वो है 10 मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स वाटर इसमें 10 मीटर पर सेकेंड के रेट से इस क्रॉस सेक्शन से इस टैंक में फिल हो रहा है. ये क्लियर है? तो सबसे पहले आप निकाल लो रेट ऑफ फिलिंग कि किस रेट से वाटर इस पूरे टैंक में फिल हो रहा है. तो सिंपली क्या लिखो वो होगा क्या वॉल्यूम पर सेकेंड. तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वॉल्यूम सिंपली क्या होगा क्रॉस सेक्शन का एरिया इंटू रेट. तो सिंपली क्या मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर और इंटू क्या लिखोगे 10 मीटर और पर सेकेंड. नाउ एक चीज ध्यान देना यहां पे जो भी आंसर की मैंने ना वो मीटर में है. ये क्लियर है? तो आप इस मीटर को सेंटीमीटर में मत चेंज करना. नाउ एक चीज गिवन है कि टोटल कितने देर तक वाटर फिल हुआ है 40 मिनट्स तक. तो टोटल वॉल्यूम कितना मिल जाएगा वो सिंपली मिल जाएगा 5 इंटू 3 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10 मीटर पर सेकेंड और आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 40. अब ये मिनट है तो सेकेंड में चेंज करोगे तो एक बार 60 से मल्टीप्लाई करोगे और इंटू सेकेंड. सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो कितना होगा वो होगा 5 इंटू 3 इंटू 40 इंटू 60 इंटू 10 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मीटर में. ये क्लियर है? हम लास्ट में यूनिट का टेक केयर कर लेंगे. नाउ ये टोटल अमाउंट ऑफ वाटर फिल हुआ है किसमें इस पूरे टैंक में. तो आपको निकालना है कि टैंक में हाइट कितना इंक्रीज होगा. तो अज्यूम कर लो कि ये टोटल एक्स हाइट इंक्रीज हो गया है. डन. तो जो वाटर इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू आएगा वही तो टैंक में स्टोर होगा. इट मीन्स एक्स लेवल का जो वॉल्यूम होगा वही वाटर के वॉल्यूम के इक्वल होगा. तो टैंक का वॉल्यूम आप कितना लिखोगे सिंपली 7.2 मीटर इंटू लिखोगे 2.5 मीटर और लेट से एक्स हाइट इंक्रीज हुआ था और ये किसके इक्वल होगा यहां से एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा वो मिल जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 40 इंटू 60 इंटू 10 इंटू ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और इंटू मीटर है. यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आएगा वो आएगा 7.2 मीटर और इंटू 2.5 और ये मीटर में. एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा. तो आप क्या लिखोगे इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आप क्या लिखोगे 1/100 इंटू 1/100. सो अल्टीमेटली ये सेंटीमीटर से चेंज होकर क्या हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा. अब मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे 1020 तो ये दोनों कैंसिल. यहाँ पे 10 तो ये भी कैंसिल. यहाँ पे 10 है तो 5 से ये 2 टाइम्स और 2 से ये डिवाइड करोगे तो ये 2. सो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आएगा न्यूमरेटर में क्या वैल्यू मिल गया है वो आपको मिल गया 3 इंटू 2 इंटू 6 और डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है वो है 7.2 इंटू 2.5 और ये किस में वैल्यू है ये है मीटर में. ये वैल्यू आएगा 6 इंटू 6 और ये कर दो 10 फिर से एक 10 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 72 इंटू 25. ये 6 इंटू 6 36 36 से 72 2 2 से ये 5 और 5 से ये 5 5 से अल्टीमेटली ये 2. तो जो टोटल इंक्रीज होगा हाइट में वो कितना मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपको 2 मीटर. ये क्लियर है? सो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी. So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.